हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं इसको जानेंगे। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय टू। ये फॉर्मूला है, इससे हमें बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखते हैं मॉलिक्यूल्स के केस में, इसका दो तरीका होता है। अगर पहला, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोग ऐसे निकालते हैं, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, πx, π2py, ठीक है, π2py है। ठीक है, उसके बाद π2px इक्वल टू π2py, उसके बाद π स्टार आएंगे, π2px π2py, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, σ*2pz। और दूसरा तरीका है, अगर इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो या इक्वल हो, ठीक है, तो इसका तरीका है σ*1s, σ*2s, σ*2s, यहाँ पे π2px पहले आ जाएगा, बस यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, π2py, उसके बाद सब जो है ऐसे ही एज यूजुअल 2pz। तो ये तरीका है, पहले हम यहाँ से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता करें और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और इस फॉर्मूला पे पुट कर दें। लेकिन एक ट्रिक से अगर हम लोग देखें, ट्रिक से निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या है कि लेट सपोज हम लोग इस तरह से ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 20 तक का ऑर्डर जो है हम लोग इस बॉन्ड ऑर्डर जो है इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर जीरो एटॉमिक नंबर है, तो उसका जो है बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे इस पर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, हम लोग 0.5 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो बढ़ाएंगे, 0.5 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो किसी का एटॉमिक नंबर 2 है तो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ जाएंगे तो इंक्रीजिंग होगा, बढ़ेगा, और अगर उतरेंगे इस पर तो 0.5 डिक्रीज करेंगे, तो 1 में 0.5 डिक्रीज करेंगे तो 0.5 आएगा। तो किसी का अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा। उसके बाद यहाँ फिर 0.5 डिक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 में 0 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो 0.5, यहाँ पे 1, 6 का 1 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 7 का फिर 0.5 आएगा, फिर इसका 0 आएगा, 8 का, फिर ऐसे जाएंगे तो इंक्रीज करेंगे फिर डिक्रीज करेंगे। तो अगर एटॉमिक नंबर 9 है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 1.5 होगा, इसका 2 होगा, इसका 2.5 होगा, और फाइनली 14 का 3 बॉन्ड ऑर्डर निकलता, फिर 15 का 2.5, 2, फिर 1.5, 0.5, सॉरी 1.5, और 20 एटॉमिक नंबर है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। ये था बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक। ठीक है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाए हमें, बॉन्ड ऑर्डर अगर निकल जाए तो उससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इन्वर्सली होता है बॉन्ड लेंथ के,
डायरेक्टली होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ से, बॉन्ड की मजबूती से, बॉन्ड स्ट्रेंथ से डायरेक्टली होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, डायरेक्टली होता है बॉन्ड एनर्जी से। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर निकल जाए तो हम लोग इतना चीज़ निकाल सकते हैं। इन्वर्सली होता है बॉन्ड लेंथ से, डायरेक्टली होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ से, और डायरेक्टली होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, और डायरेक्टली किससे होता है बॉन्ड एनर्जी से। ठीक है।